प्रदेश का प्रथम देवी देवताओं की संस्कृति को समर्पित उज्जैन। जय हो नागा। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं देव मूल मोहना बखारी कोठी के उनके प्रकटोत्सव के दिन की। उत्सव जो है आज 18 जुलाई को मनाया जाता है और 18 साथी आती है, जैसे मानो 20 है या 21 है ऐसे आएगा, तो हिंदी के प्रविष्ट श्रावण करके 3 आने वाले भविष्य काल के जन्मदिन के लिए जो है बार का नाम जो है ये सोमवार आएगा। तो जैसे घरों में कुल पुरोहित होते हैं और ऐसे मौन आग महाराज के कुल पुरोहित बड़े भी जो द्रोणाचार्य के जो श्रृंगार बक्षाड़ी मंजल और कुई और ये नागदेव का झाड़ा होता है उसमें आशीर्वाद मिलता है। और वर्तमान टाइम में तो ये मेरे यहाँ दाई साइड में बैठे हैं और वर्तमान गुरु रघुराम जी है, तो मैं होना की तरफ से मैं जो है आप सुंदर वालों के लिए आशीर्वाद। नमस्कार जी, मूल मोहनाग जी का जन्मदिन हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है और कोविड-19 के चलते इसकी अनुपालना की गई है। मोहनाग जी की परंपरा जो सदियों से चलती आ रही है उसका आज सूक्ष्म विधि से निर्वहन किया गया। धन्यवाद। आज सुखी देवता देवोत्सव लाइव चैनल आपको लेके आया हुआ है देवता मूल मोहनाग बखारी कोठी के प्रकटोत्सव, जिसे जन्मदिन भी कहा जाता है। आज के दिन देवता के मुख्य आयोजन या कार्यक्रम जिसे हम कह सकते हैं, उसके परंपरा का निर्वहन करने के लिए देवता की कोठी या भंडार गृह से देवता के जमीन से प्रकट हुए निशानों को गर्भगृह से निकाल कर झाड़े के लिए ले जाया जाता है। तो आप देख रहे हैं देवता के जो निशान है वो देवता के भंडार या कोठी से निकालते उनके कारदार, तथा इन्हें अब देवता के झाड़े के लिए ले जाया जा रहा है। इसमें मुख्य विशेषता यह रहती है कि जो देवता के पुरोहित गौर देवता ने पहले भी आपको बताया, बड़े योगी जी महाराज को देवता के पुरोहित के रूप में पूजा जाता है, तथा देवता के पुरोहित के द्वारा देवता के जन्म दिवस या जिसे प्रकटोत्सव भी कहते हैं उसकी कार्यवाही की जाती है। चलिए अब हम देखते हैं देवता के प्रकटोत्सव और जन्मदिन के कार्यक्रम की कुछ झलकियां जो सुखी देवता देवोत्सव लाइव चैनल ने आप सभी भक्तों के लिए रिकॉर्ड किया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहीं हमारा आपको फेसबुक पे भी सुखी देवता नाम से पेज है, उसको भी लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपको लेके चलते हैं देवता जी के जन्मदिवस के इस कार्यक्रम और परंपरा निर्वहन के ओर। Thank you.
Thank you.
की सुंदर एक यात्रा जो उनके भंडार गृह से झाड़े के लिए उनके कारदारों को के द्वारा लाई गई। इसी के साथ साथ जो देवता की कमेटी है उनके अध्यक्ष श्री शंतराम जी के द्वारा करसोग प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ के श्रद्धालुओं को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो तो उसके लिए यातायात तथा भोजन की व्यवस्था भी उनकी कमेटी के द्वारा की गई थी। वहीं देवता का परंपरा का निर्वहन करना बहुत ज़रूरी है तथा उसे मद्देनज़र रखते हुए सूक्ष्म रूप से ही देवता की परंपराओं का निर्वहन किया गया तथा देवता के जन्मदिवस और प्रकटोत्सव को आयोजित किया गया। चलिए अब आपको लेके चलते हैं इस देवता की झाड़े की प्रक्रिया के बाद कैसे देवता जी अपने वाद्य यंत्रों और कारदारों के साथ पुनः अपनी कोठी की तरफ वापस आते हैं। देवभूमि के देवी देवताओं की कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए सुकेत देवता देवोत्सव लाइव, हिमाचल प्रदेश का प्रथम देवी देवताओं की संस्कृति को समर्पित चैनल। यूट्यूब पर सुकेत देवता लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगामी अपडेट पाने के लिए वेल आइकन दबाना ना भूले। मंदिरों के लाइव दर्शन करने के लिए हमें फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले। यूट्यूब चैनल, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। जय हो नागा।